हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रेलवे स्पेशल सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जीके क्वेश्चन है ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर जो लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर क्लर्क का हो, रेलवे एग्जाम पे फोकस करके ये वीडियो बनाया गया है। इसलिए यदि आप लोग रेलवे प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और संभावित आने वाले एग्जाम में जो है ये सेलेक्ट किए गए हैं। ऐसा मैंने सोचा है कि 40 सेट बनाऊंगा जिससे आप लोग का रेलवे का पूरा कोर्स जीके का कवर हो जाएगा, जिसमें से जीके जीएस सारा क्वेश्चन मिला हुआ है। सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, वो एग्जाम से एक महीने पहले करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि हर एक ऑप्शन के साथ आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस चैनल पर जो लोग नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइए ताकि आप लोग का एक रिवीजन होता रहेगा। और नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एक दो बार देखने से आप लोग को ऐसे ही पूरा आंसर याद हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, खासकर एएलपी के एग्जाम में या फिर रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम होता है उसमें, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए इसका कहीं कहीं ये तो नाम लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसका फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है CaClO2, यहाँ पे 2 होगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाम नहीं लिखा हो तो CaClO2 ऐसे रहेगा फॉर्मूला। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्लोरीन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, ये देखिए ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। ब्रोमीन, ये आप याद रखिएगा, ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में रहता है। और मेटल कौन सा है? धातु, तो धातु है मरकरी, जो भी HG होता है उसका फॉर्मूला मरकरी HG, ये धातु है। और ये जो ब्रोमीन है ये अधातु है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। और देखिए ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, मतलब ट्रेंच, इसको इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं गर्त को, सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा आप लोग हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये है, इसको बोलते हैं सुंडा, SUNDA, सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त। और या फिर इसको सुंडा गर्त को ही जावा गर्त भी बोलते हैं, क्योंकि जावा गर्त, दोनों नाम याद रखेंगे। और अटलांटिक महासागर में कौन सा सबसे है? तो इसका नाम है PUERTO, प्यूट्रो रिको, RICO, प्यूट्रो रिको ट्रेंच। या फिर हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में मतलब क्वेश्चन तो यहाँ पे गर्त होगा, प्यूट्रो रिको गर्त। और आर्कटिक महासागर में कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है MOLLOY, मॉली होल। ये तीनों नाम
याद रखे, ये दोनों नहीं भी याद रहता है लेकिन इसको जरूर याद रखे, सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त या फिर जावा गर्त, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया, मेरियाना गर्त और ये सुंडा, तो ये दोनों जरूर याद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो इसमें इसका सही आंसर जैसा कि होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफिशियंसी का सही आंसर होगा डिफिशियंसी। ऐसे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो IMMUNO इम्यूनो डिफिशियंसी, DEFICENCY डिफिशियंसी, और S4 होता है सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम। ये पूरा याद रख लीजिए, इसमें कभी S का फुल फॉर्म पूछ देता है इसका तात्पर्य, या फिर कभी I का पूछ देता है, तो ये पूरा याद रखिए। जो भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर ये काफी आसान है, सिलिकॉन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। गांधी जी का कॉन्साइंस कीपर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राज गोपालचारी। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। केप केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, और ये कन्याकुमारी जो है उसी जगह को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी जो हम लोग का तमिलनाडु में स्थित है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? इसका खोज वॉल्डेयर ने, ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? HP यहाँ हॉर्स पावर है, 1 किलोवाट में कितना हॉर्स पावर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.34। देखिए सबसे पहले 1 HP में कितना वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है कितना, 1000 वाट, और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 1 HP में कितना होगा, 746 यहाँ डिवाइड कर देने से अपने आप आ जाएगा 1.34। तो याद रखिए डायरेक्ट। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुटियंस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है जॉब चर्नॉक के बारे में, तो ये कोलकाता के वास्तुकार थे, कोलकाता के वास्तुकार कौन, जॉब चर्नॉक, ये भी याद। सिक्किला दर्रा किस राज्य में है? देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। और दर्रा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, देखिए हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा और कुछ दर्रा है जो आप याद रखिए। एक तो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, ROHTANG रोहतांग पास, PAS इंग्लिश में इसे पास बोला जाता है, दर्रा को आप ध्यान दीजिए रोहतांग पास। और दूसरा है हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा, BARA LACHA पास, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। तो आप सिक्किला, रोहतांग और बाड़ा लाचा, अच्छा ये तीनों याद रखे इसमें। और उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आता है
तो इसमें है एक लिपुलेख, लिपुलेख पास, और दूसरा एक है नीति पास, NITI नीति पास, नीति पास, लिपुलेख, नीति पास, और एक आता है माना पास। हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग साउंड को सुन के थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तीनों उत्तराखंड से पूछा जाता है, और सिक्किम से भी कुछ पास है जो पूछा जाता है एग्जाम में। सिक्किम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है नाथुला। नाथुला पास सिक्किम से। और एक पूछा जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिले, JELEP जिले ला पास। और अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश से सबसे इम्पोर्टेंट पास जो है ये पूछा जाता है बोम, BOM बोमडीला पास, बोमडीला पास। तो ये जितने भी दर्रा है ये सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये चारों ऑप्शन में मैंने लिया, क्योंकि ये चारों स्टेट, और एक जम्मू कश्मीर से भी आता है, जम्मू कश्मीर, रुकिए एक मिनट, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर JNK लिख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में एक आता है पीर पंजाल, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये सारा जितना भी है पास आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, अलखनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है, का सही आंसर देखिए, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। लेकिन ये सब प्रयाग के बारे, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अलखनंदा पिंडार जो है ये तो कर्ण प्रयाग है, अब देव प्रयाग क्या है, तो देव प्रयाग जो है यहाँ ये है अलखनंदा और भागीरथी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ALAKHANDA अलखनंदा और एड भागीरथी, अलखनंदा एंड भागीरथी, ठीक। और रुद्र प्रयाग जो है, रुद्र प्रयाग में है अलखनंदा एंड मंदाकिनी। देखिए अलखनंदा तो हर एक जगह कॉमन है, अलखनंदा प्लस मंदाकिनी, MNDAKINI मंदाकिनी। फिर कर्ण प्रयाग हो गया अलखनंदा एंड पिंडार, और विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग अलखनंदा प्लस, अलखनंदा प्लस ये है धौली गंगा, DHAULIGANGA गंगा। आप एक बार देखिए, फिर से रिवाइज करके याद कर लीजिए, सबसे पहले है देव प्रयाग, देव प्रयाग में अलखनंदा और भागीरथी है, और उसके बाद है रुद्र, रुद्र प्रयाग में अलखनंदा और मंदाकिनी है, कर्ण प्रयाग तो ऊपर में है अलखनंदा और पिंडार, और विष्णु प्रयाग में है अलखनंदा धौली गंगा। तो ये चारों प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। पाक स्टेट किनके बीच में अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। यहां मैं मैप में दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए मैप में ये है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए ये है रामेश्वरम, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ लिखा भी है पाक स्ट्रेट, ये श्रीलंका का पोर्शन है और यहाँ इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आता है,
श्रीलंका और ये तो हो गया। अब सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, मालदीव और मिनिकाय, ये आइलैंड के बीच जो होता है, इस स्ट्रेट को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक, याद रखिए, ये भी जो मिनिका, ये भी एक आइलैंड है जो इंडिया के लक्षद्वीप में है। और दूसरा, लक्षद्वीप और मिनिकाय, इसके बीच जो है, इसको क्या बोला जाता है? ये 9 डिग्री चैनल। ठीक है, मालदीप, मिनिकाय 8 डिग्री और लक्षद्वीप, मिनिकाय 9 डिग्री। ये मालदीप जो है, ये आइलैंड कंट्री, एक अलग कंट्री है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सुमात्रा व निकोबार, सुमात्रा और निकोबार जो है, इसके बीच में जो है, ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। तो ये तीनों क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। सिर्फ आप लोग यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चार स्टेट के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे एक का तो इमेज मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1565 ईस्वी में हुआ था। अब सबसे बड़ा इससे कुछ कुछ क्वेश्चन और आता है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था विजयनगर और विजयनगर जो सम्राट था, विजयनगर और दक्कन, दक्कन का सल्तनत के बीच में। इसमें विजयनगर के जो सुल्तान या फिर राजा बोल सकते हैं, राजा जो थे वो सदाशिव राय, सदाशिव राय, अब नाम याद रखिए, सदा शिव राय, ये थे विजयनगर के तरफ से। बाकी डेक्कन जो सल्तनत था, इसमें एक अकेला राजा नहीं लड़ा था, इसमें बहुत सारा राजा, 3 से 4 राजा मिलके लड़ाई लड़ा था। तो इसमें देखिए कौन कौन सा था, मैं एक मैप में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये उस टाइम का विजयनगर सल्तनत था, वो नीचे जो पोर्शन है, नीचे पोर्शन है और यहाँ का, और ऊपर का जो पोर्शन है ये डेक्कन सल्तनत। इसमें अलग अलग राजा था, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा, ये सब मिलके विजयनगर पे आक्रमण किया था। तो एक और मैप में मैं देखिए, ये अलग अलग किंगडम था, लेकिन ये टोटल जो है ये दक्कन का रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये जितना भी ये चारों पांचों है, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बाड़र और बीदर और गोलकोंडा, ये सारे ने मिलकर विजयनगर पे आक्रमण किया था। और विजयनगर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम्पी का जो अवशेष है, हम्पी, इससे पहले वाले इमेज में देखिए यहाँ पे हम्पी है, हम्पी का जो अवशेष है ये किस सम्राट से? तो ये विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर सम्राट जो है सी में हम्पी का अवशेष है। अब देखिए ये कब हुआ था, 1565 में, और इसमें जो था, इसमें ये डेक्कन जो था, डेक्कन युद्ध को जीत गया था, लेकिन ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। सिर्फ पूछा गया है कि मतलब कि हम्पी पूछा गया विजयनगर से रिलेटेड, और इसमें से कितना कितना इसका, कौन कौन से अलग अलग थे, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, तो आप इस इमेज से तो आपको पता चल गया कौन कौन सा इमेज, एक बार आप लोग दिमाग में देख लीजिए। अब यहाँ पे और कोई डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक डेट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा सा तो पता होगा, 1576 जो है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कौन, बैटल हल्दी घाटी, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदेड़। और ये कहाँ पे है? ये अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और देखिए
गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था 5 जनवरी 1666 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना सिटी में, ये बिहार में पटना सिटी। नेक्स्ट, हीरा का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है इसको हिंदी में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हालांकि ऐसे ही पूछा हुआ था इसलिए अपवर्त, ये ना है अपवर्तनांक। अब देखिए हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42। अब क्वेश्चन इस सबसे रिलेटेड भी आता है इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस चारों। अब देखिए 1.65 किसका होता है अपवर्तनांक, तो 1.65 जो होता है ये होता है फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट कांच, FLINT फ्लिंट ग्लास, GLASS ग्लास हिंदी में है तो फ्लिंट कांच लिखा हुआ रहेगा। उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.65। और 1.52 किसका होता है, तो 1.52 जो होता है ये होता है क्राउन ग्लास का, CROWN क्राउन ग्लास, GLASS ग्लास। अब ये 1.33 किसका होता है, तो ये होता है वाटर का, ये वाटर का होता है। तो ये चारों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या फिर आप अपवर्तनांक बोल सकते हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है, इसका बहुत ही सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है निरपेक्ष शून्य तापमान। नेक्स्ट, उबेर कप किससे संबंधित है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। अब देखिए यहाँ पे टेनिस का कुछ पूछा जाता है कि टेनिस का मतलब कौन कौन सा है, सबसे पहले टेनिस का चार ठो होता है ओपन, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग WIMBLEDON विंबलडन, और एक होता है US ओपन। ये चारों जो होता है टेनिस का ये आता है। और हॉकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है हॉकी में, देखिए हॉकी का सबसे पहले एक आता है बिंगटन कप, BIGHTON बिंगटन कप, ये एग्जाम में पूछा गया है हॉकी, मतलब पूछा जाएगा वैसे बिंगटन कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से। और एक एग्जाम में आता है आगा खान टूर्नामेंट, ये आता है हॉकी से। अब देखिए फुटबॉल से पूछा जाता है, फुटबॉल से सबसे पहले पूछा जाता है डूरंट, DURANT डूरंट कप। और एक आता है फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी। तो ये सारे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन फुटबॉल से आता है सुब्रतो कप, ये भी याद रखिए सुब्रतो कप। तो ये जितना भी यहाँ पे है ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग पूरा याद रखिए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।